नमस्कार दोस्तों, मैं उदय मेहरा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ जो भी बातें रिक्वायर्ड है आपको जानने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके। साथ ही में इस वीडियो सीरीज में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, कुछ बेस्ट इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो दोस्तों, जो रिटेल निवेशक नया नया मार्केट में आता है उसकी सोच होती है कि मेरे को कोई इंडिकेटर मिल जाए, कुछ मैं इंडिकेटर ऐसे सीख जाऊँ जो मुझे डायरेक्टली बता दें कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है। मगर मार्केट इतनी आसान नहीं है दोस्तों जितनी लगती है। अगर इतनी आसान हो कि कोई इंडिकेटर हमें बता दे कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है तो हर कोई कमा ले। साथ ही में इंडिकेटर्स की हम बात करें तो इतनी बड़ी लिस्ट है जो ये फ्रीली अवेलेबल मिलती है हमें investing.com या फिर हमारे ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा कई सौ हजारों इंडिकेटर्स और भी हैं मार्केट में। ये जो इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, इनमें से कई इंडिकेटर तो ऐसे हैं जो हमारी आज़ादी से भी पुराने हैं। तो आज जब एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना है, हाई टेक सेटअप्स लेके लोग काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या ये इंडिकेटर्स काम करते हैं, कौन से करते हैं इनमें से काम, उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कैसे आप अपना एक इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप खुद बना सकते हो, कौन कौन से प्रोसेसेस उसके अंदर रिक्वायर्ड हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्रोसेस, इंडिकेटर, सेटअप, दोस्तों इस सब से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे और करना चाहूँगा। सबसे पहले, आपको जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आपका ट्रेडिंग का स्टाइल मालूम होना चाहिए। ड्यूरिंग द डे देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, अगेन अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिन के अलग अलग समय पे आ सकती है। तो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी होते हैं लोगों के कि जैसे कौन सा समय सही है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। क्या उनको सुबह मार्केट खुलते ही 9:15 बजे ट्रेड डाल देना चाहिए, क्या आपको थोड़ा वेट करना चाहिए 10 बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए, क्या सेकेंड हाफ अच्छा है या फिर ड्यूरिंग द डे 12 बजे 1 बजे ये टाइम अच्छा है। अगेन कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 5 मिनट अच्छा है, 2 मिनट अच्छा है, 15 मिनट अच्छा है, 1 घंटे का टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज़ करें। तो इन सब सवालों के कॉमन क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम कुछ बातें करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल्स के ऊपर, आइए देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग स्टाइल की हम बात करें तो ड्यूरिंग द डे मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। देयर कुड बी अ ट्रेंडिंग डे जब मार्केट एक अच्छे खासे तरीके का मूव दे देती है, या फिर कोई रेंज बाउंड दिन भी होते हैं। अगेन हर एक दिन के लिए, हर एक टाइम फ्रेम के लिए, आपके हर एक स्टाइल के लिए अलग अलग आपको टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम कुछ टूल्स की बात करें तो दोस्तों, आपको ऑप्शन बाइंग करना अच्छा लग सकता है। अगर आपका कैपिटल कम है तो आप ऑप्शन बाइंग, कॉल खरीदना, पुट खरीदना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आपको किसी किसी केस में ऑप्शन सेलिंग करके ज़्यादा फायदा होगा कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। सिमिलरली यू कैन डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। सिमिलरली दोस्तों, आप कैश के अंदर जहाँ पे आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है पर्टिकुलर की लॉट साइज में आप ट्रेड करो, आप कम क्वांटिटी में जितना चाहो उतना ट्रेड कर सकते हो यूजिंग MIS। तो ये कुछ ट्रेडिंग टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर्स, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और कैश। इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सा स्टाइल किस समय बेहतर काम करता है, इनके किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। आइए सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में। तो ट्रेडिंग स्टाइल्स की हम बात करें तो सबसे पहला जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो होता है ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स में दोस्तों अलग अलग इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के। ब्रेकआउट में जनरली मूव आएगा जो भी, वो बहुत फास्ट आएगा। चाहे ब्रेक डाउन हो तो नीचे की तरफ मूव बहुत फास्ट आएगा, ब्रेकआउट हो तो ऊपर की तरफ मूव बहुत फास्ट आएगा। उस फास्ट मूव को आप मैनुअली सोचें कि आप सौदा डाल दें, आपकी आंखों के सामने काम हो रहा है, आप कैप्चर कर लें, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग ब्रेकआउट वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई होती है। यहाँ पे आपको गेन तो ज़्यादा आ सकता है लेकिन उसके सामने रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आपने ब्रेकआउट को पकड़ा नहीं, देर आर सो मैनी फेक ब्रेकआउट्स ऑल्सो। ब्रेकआउट होते हैं देन फेल हो जाते हैं, दूसरी तरफ का मूव बहुत शार्प आता है, आप फंस भी सकते हैं। तो किस तरह इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए ये भी आपको समझना है। यानी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आपके ट्रेडिंग सेटअप के अंदर आपके पास स्क्रीनर होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन का टूल होना चाहिए जो आपको ब्रेकआउट होने वाले स्टॉक्स के बारे में बता सके पहले ही, ताकि आप प्रिपेयर रहें, आप उनको ट्रैक कर सकें। देन आपको ब्रेकआउट में कहाँ एंट्री लेनी है, कन्फर्मेशन का वेट करना है कि नहीं करना, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, देन आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब चीज़ें भी दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में और इस वीडियो के आने वाले पार्ट्स में। दूसरा ट्रेडिंग स्टाइल जो काफ़ी कॉमन है वो होता है पुल बैक। दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर एक लेवल को तोड़ देता है और ब्रेकआउट दे देता है तो सूनर और लेटर उसमें हमेशा उस लेवल तक का एक पुल बैक आता है। उस लेवल के आप पास जब वो वापस आता है उसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग। जब वो उस रीटेस्टिंग को करता है और वहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेता है, वंस आर रेजिस्टेंस ब्रोकन एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो फिर स्टॉक अपनी ऊपर की चाल पकड़ता है, हम कहते हैं ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया। अगर ये उस लेवल को निकाल देता है नीचे की तरफ तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन आ गया। जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स था और अब ब्रेक डाउन आएगा और नीचे का मूव काफ़ी फास्ट आता है। तो काफ़ी सारे ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोस्तों मार्केट में पुल बैक्स पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, ना कि ब्रेकआउट्स पे।
अगेन पुल बैक्स के अपने आपको सेटअप्स होने चाहिए, आपके अलग टूल्स होते हैं, ब्रेकआउट्स के अलग टूल होते हैं, अलग स्क्रीनर होंगे पुल बैक्स के, अलग स्क्रीनर होंगे ब्रेकआउट्स के। आपको पुल बैक्स को कैप्चर करने के लिए अलग फ़ायदे हैं, अलग नुकसान हैं। एंड देन इंट्राडे में आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में दोस्तों छोटा गेन छोटा रिस्क, आप फ्यूचर्स लेके 2-4 रुपये कैप्चर कर सकते हैं, इधर उधर 3-4 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। इसके लिए अलग टूल्स, अलग सेटअप, अलग टाइम ऑफ द डे होता है। तो हम इन तीनों के बारे में बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग सेटअप के बारे में कि ट्रेडिंग सेटअप में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। अगर आपको अपना खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर है। तो जैसा कि हमने जाना, सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल मालूम होना चाहिए, आपका क्या स्टाइल है, आपको उसी स्टाइल के हिसाब से टूल्स लगाने पड़ेंगे। एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे इस वीडियो के आने वाले पार्ट्स में। दूसरी बात, एक दफ़ा आपने अपना स्टाइल बना दिया, आप अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना चालू कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है वो होना चाहिए एक स्टॉक सिलेक्शन का तरीका, एक सिलेक्शन का मेथड, एक स्क्रीनर जो आपको हज़ारों स्टॉक्स में से ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स या पुल बैक वाले स्टॉक्स या रेंज बाउंड स्टॉक्स जो भी आप ट्रेड करना चाहते हो वो लिस्ट निकाल के दे दे। देन उसके बाद जब अगर एक लिस्ट आ जाती है हैंडफुल स्टॉक्स की, सो हज़ारों में से कुछ 10-5-6 स्टॉक्स की, आपको उनकी करनी पड़ती है एनालिसिस, आपको उसके निकालने पड़ते हैं लेवल्स, टारगेट्स। अगेन उनको निकालने का क्या तरीका है वो भी हम सीखेंगे। तो लेवल्स निकाल दिए, स्टॉक्स पे आप पहुंच गए, आपको पता पड़ गया ये स्टॉक है, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, यहाँ तक जाएगा, ऐसे करेगा। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट आती है इंडिकेटर्स की और अपने सेटअप की, जहाँ पे वो काम आपका चालू होता है। तो पहले दो स्टेप्स दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क होता है, ये आपको ओवरनाइट पिछले दिन करके आना पड़ता है। आप सुबह 9:15 बजे के बाद स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इंट्राडे में इतना टाइम नहीं होता। मैं अगर एक कॉमन इंट्राडे की बात करूं तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेड अगर आपका सही है तो वो ट्रेड आपका 15 मिनट से आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड जनरली आधे घंटे तक का होता है, आधे घंटे से एक घंटा कभी हो जाता है, कभी मार्केट स्लो है आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट अगर आपने सही टाइम पे एंट्री लिया, आपने सही मूव पकड़ा तो आपका ट्रेड आधे एक घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। यानी अगर आप 15 मिनट के कैंडल्स को यूज कर रहे हैं तो आपका ट्रेड मैक्सिमम 5 या 6 या 7 कैंडल्स में खत्म, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, फिर आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जो आपको एंट्री कहां पे लेनी है, आपका रिस्क क्या है, आपका रिवॉर्ड क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, उसके बारे में बताएं। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ट्रेडिंग जो आप मेथड यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस अलग तरीके से रहेगा, अगर आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो आपका स्टॉप लॉस अलग हो सकता है, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो अलग हो सकता है। तो आपको ट्रेडिंग मेथड इसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक दफा आपने दोस्तों एनालिसिस कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लिया, स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपको इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। इंडिकेटर आपको चाहिए सबसे पहला एंट्री कहाँ पे करनी है वो बताने के लिए, देयर शुड बी अ एंट्री का रूल जिसके बेसिस पे आप हमेशा एंट्री करते हो। आपका वो रूल आपका पर्सनल हो सकता है, आपके इंडिकेटर पे बेस्ड हो सकता है जो आपको बताए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ABCD इंडिकेटर है जो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आता है तो आपको एंट्री लेनी है, तो वो आपका एंट्री का रूल हो गया। अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, सपोज आप कोई रिवर्सल कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं उसके हाई टूटने पे, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये आपका एंट्री का रूल हो गया। अगर आप दोस्तों कोई सेटअप यूज कर रहे हैं पिवट पॉइंट्स जैसा और आप लेट्स से एक पर्टिकुलर पिवट टूटने के बाद एंट्री लेते हैं तो ये आपका पिवट के अंदर एंट्री का रूल हो गया। तो आपको एक एंट्री इंडिकेटर चाहिए और एक एंट्री का रूल चाहिए। जब भी आप दोस्तों एंट्री लेते हैं हमें हमेशा एक से ज़्यादा सेटअप पे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेटअप एक टाइम पे फॉल सिग्नल दे रहा हो सकता है। तो हमेशा हमारे पास एक कन्फर्मेशन टूल भी होना चाहिए ताकि हमारा ट्रेड के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन इंडिकेटर। यानी हम एक साथ एक से ज़्यादा सेटअप को या इंडिकेटर को यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन के लिए। कन्फर्मेशन दोस्तों आपको आ सकती है प्राइस एक्शन से, आपको आ सकती है ऑप्शन चेन से या किसी भी इंडिकेटर से। कौन से इंडिकेटर मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, कैसा है मेरा सेटअप, उस पर हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका माइंड खोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको ये सब स्टेप्स को, इन सब चीज़ों को फिगर आउट कर लेना चाहिए, अपने रूल्स बना लेने चाहिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नल तैयार करनी चाहिए और उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। एक दफा दोस्तों आप ट्रेड में एंटर कर गए, कंफर्म हो गए, आपको आपका टारगेट मालूम है, स्टॉप लॉस मालूम है, उसके बाद आपके पास दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, आपको एग्जिट इंडिकेटर का होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो इंडिकेटर सेम हो जिस पे आपने एंट्री ली उसी तरह, यानी अगर आप पिवट पॉइंट पे एंट्री ले रहे हो तो हो सकता है आप अगले पिवट का टारगेट लेके बैठे हो और उस पिवट पे आप एग्जिट कर जाओ। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर पे बाय सेल कर रहे हो, जो इंडिकेटर अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए आप एग्जिट करते हो तो आप वहां पे एग्जिट कर जाओगे।
या फिर हो सकता है आप एंट्री करते हो पिवट पॉइंट पे, एग्जिट करते हो ऑप्शन चेन की मदद से या प्राइस एक्शन की मदद से या किसी और इंडिकेटर की मदद से। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कैसे यूज करता हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपके पास एक एग्जिट मैथडोलॉजी होनी चाहिए, एक एंट्री और एक कन्फर्मेशन। इस सब के अलावा दोस्तों एक सबसे आखिरी चीज जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, जिसका होना कंपलसरी है, वो है ट्रेलिंग मैकेनिज्म। आपको एक ट्रेलिंग मैकेनिज्म का होना कंपलसरी है, बिना इसके आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग के अंदर आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना, मनी मैनेज करना, साइकोलॉजी और ट्रेलिंग मैकेनिज्म, ये चार बेसिक होने कंपलसरी हैं, जिनके बगैर आप अच्छा रेगुलर पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेलिंग कैसे की जाती है? सपोज दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक पॉइंट ए पे एंट्री लेते हो, आपने दोस्तों सपोज एक पिवट के टूटने पे एंट्री ले ली, आपका टारगेट है अगला पॉइंट, ये वाला जो है आपका टारगेट है। अब दोस्तों ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बट किसी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी के चलते, किसी भी न्यूज के चलते, किसी भी कारण से आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो वैसे में आपको कहाँ पे एग्जिट करना है वो बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सपोज हमने 10,000 रुपये कमाने थे, हमने 5,000 रुपये कमा लिया और हम एंड ऑफ द डे पैसा दे के जा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे पास एक ट्रेलिंग मैकेनिज्म हो जो कि हमारे को बता दे। अगेन ट्रेलिंग कैसे करते हैं, ये जितना इजी कहने में है उतना इजी करने में नहीं है। कई लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा होता है और वो बहुत जल्दी हिट हो जाता है। सपोज आपने ऐसे ट्रेड लिया, मार्केट वॉलीटिलिटी से काम करती है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देती है और उसके बाद मार्केट शार्प मूव दे देती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए कितना हम लोग मार्जिन रखें, कैसे करें, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया किस किस तरह के स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। इसको अगर हम समराइज करें, आप लोग जब भी दोबारा ट्रेडिंग करें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, आपके पास सिलेक्शन स्क्रीनिंग का मेथड होना चाहिए। सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के लिए आपके पास जो मेथड है वो डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, कि आप किस तरह के स्टाइल से ट्रेड करते हैं। आप ब्रेकआउट्स लेते हैं, पुलबैक्स लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, आप रेंज बाउंड स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग करके। दूसरी चीज, आपका जब आपने सिलेक्शन किया, ट्रेडिंग स्टाइल सोचा, आपको ये भी ध्यान देना है कि आप किस टूल के जरिए ट्रेड करेंगे, आपका कैपिटल कैसा है। अगर आपका कैपिटल कम है तो आप फ्यूचर्स में शायद ट्रेड ना कर पाए, आपको फिर ऑप्शन बाइंग सेलिंग करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बाइंग के लिए हर एक स्टॉक सही नहीं होता, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी हर एक स्टॉक सही नहीं होता, कहीं पर फ्यूचर ज़्यादा बेनिफिशियल है कहीं पर ये। कैश में MIS ट्रेडिंग करने का दोस्तों ये बेनिफिट है कि आपको लॉट साइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नए हैं, आप चाहें तो आप चाहे 50 क्वांटिटी ट्रेड करें रिलायंस में, चाहे 100 करें, जबकि रिलायंस का लॉट साइज 505 का है। तो अगर आप फ्यूचर्स में करेंगे तो आपको 500 क्वांटिटी मिनिमम लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। इसका एकमात्र नुकसान ये है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर्स में जब हमने ट्रेड लिया होता है, हमारा दिल करता है हम अपनी पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड कर लें, बट MIS में आपको अपनी पोजिशन को उसी दिन स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो सीरीज में मैंने आपको बताया कि कैसे अपना एक ट्रेडिंग का सेटअप बनाया जाता है, कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। अभी इंडिकेटर्स की मैं लिस्ट आपको दिखाई बहुत लंबी है, इसमें से कई इंडिकेटर हैं जो हमारी आज़ादी से भी पुराने हैं, जो 100 साल पुराने हैं, कई इंडिकेटर हैं जो 40-50 साल पुराने हैं। तो उन इंडिकेटर्स को एज इट इज़ यूज़ करना शायद पॉसिबल ना हो पाए, उनको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ करना पड़े। तो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में इस वीडियो के अगली सीरीज में अगले वीडियो में बताना चालू करूँगा टॉप 5 इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में, और देन टूवर्ड्स दी एंड हम लोग जानेंगे कि किस तरह उन सबको यूज़ करके, कंबाइन करके मैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप बनाता हूँ, और आप अपना ट्रेडिंग का सेटअप खुद बना सकते हैं कुछ और इंडिकेटर को लगा के या उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बोलूँगा, इंट्राडे ट्रेडिंग सही से करने के लिए आपके पास इन सब नॉलेज के अलावा एक सही ब्रोकर का होना, एक सही प्लेटफॉर्म का होना उतना ही ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो सकते हैं investing.com पे, आप कर रहे हो सकते हो अपने ब्रोकर की ऐप पे, या फिर आप कर रहे हो सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, या फिर आप कोई MT4 जैसा हाई प्रोफाइल चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो, मगर एक सही ब्रोकर का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सही बेनिफिट्स दे, सही फीचर्स दे। कुछ फीचर्स की हम बात करें जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे लिए कंपलसरी है होना, उनमें से कुछ है ब्रैकेट ऑर्डर्स का लगना। ब्रैकेट ऑर्डर में दोस्तों हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को फीड कर सकते हैं, हम उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स दोस्तों हर एक ब्रोकर आपको नहीं देगा। उसके अलावा जो हमारी ब्रोकरेज है वो काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर हम बैंक्स के जरिए ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो हमारी ब्रोकरेज, हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इंट्राडे में हमारे मुनाफे छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी ब्रोकरेज ज़्यादा होगी तो एंड ऑफ द मंथ सही ट्रेडिंग करने के बावजूद भी हम नुकसान में होंगे।
तो ब्रोकर सही होना, ये सब बेनिफिट्स का मिलना, इसके अलावा काफ़ी सारे और बेनिफिट्स होते हैं जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे बातचीत छिड़ेगी हम बात करेंगे। इन सब का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको उन दोनों के बारे में दोस्तों बताऊंगा। मैं यूज़ करता हूँ एलिस ब्लू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एलिस ब्लू ही मेरा ब्रोकर है जिसके ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इस पे मुझे ब्रैकेट ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जैसे सभी टूल्स मिल जाते हैं। कैसे उनको यूज़ करते हैं लाइव ट्रेड्स में, कैसे उनको लगाते हैं, मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। एलिस ब्लू के अलावा दोस्तों मैंने जो दूसरा अपना अकाउंट खोल रखा है वो खोल रखा है फायर्स के साथ, और इन दोनों ब्रोकर्स को मैं प्रमोट भी करता हूँ। इनकी स्पॉन्सरशिप भी है मेरे पास, इनकी फ्रेंचाइज भी है मेरे पास। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनके जरिए खुलवा सकते हैं। फायर्स की मैं बात करूँ तो इनका भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत स्मूथली चलता है। आपने देखा होगा कुछ और ब्रोकर जिनके मैं नाम नहीं लूंगा बट हैं काफ़ी फेमस नामी गिरामी ब्रोकर्स, उनकी ऐप्स ड्यूरिंग द डे काफ़ी इंपॉर्टेंट समय पे हैंग हो जाती है, दिक्कत करती है, कईयों को नुकसान होता है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को सिर्फ एक गलत ब्रोकर के होने के कारण। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स जैसे ब्रैकेट ऑर्डर वगैरह उनमें नहीं लगते। आपको मार्जिन चाहिए अच्छा तो यहाँ पे आपको बेटर मार्जिन मिलेगा, आपके ब्रोकरेज काफ़ी कम रहेगी। कई बेनिफिट्स हैं जो आप खुद यूज़ करेंगे तब आपको पता पड़ेगा। तो आप फायर्स पे अकाउंट खुलवा सकते हैं खुलवाना चाहें तो, आप चाहें तो एलाइस ब्लू के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों की ही डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, दोनों का लिंक मैंने दे दिया है, आप उस लिंक के जरिए दोनों में से किसी के साथ भी अपना अकाउंट खुद खुलवा सकते हैं फायर्स में। दोस्तों इसके अलावा अभी रिसेंटली चालू हुआ है 30 डे चैलेंज, जिसको अगर आप 30 डे सक्सेसफुली ट्रेड करेंगे तो आपकी जो ब्रोकरेज है ये रिटर्न कर देंगे। ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसको भी अकाउंट खुलवाने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपको डिसिप्लिन आएगा, आपके ट्रेडिंग के अंदर एक पेशेंस डेवलप होगी, आपका काफ़ी उसके अंदर नेचर में चेंज आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के आने वाले पार्ट ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको सभी इन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, किस इंडिकेटर से एंट्री की जाए, किससे एग्जिट किया जाए। 5 बेस्ट इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा इस पूरी लिस्ट के अंदर से, कौन कौन से 5 इंडिकेटर्स हैं जो बेस्ट है, जिनको मैं यूज़ करता हूँ और उनको मैं कैसे यूज़ करता हूँ। तो चैनल को दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लोग डेली नई स्टॉक मार्केट की वीडियो लेके आते हैं, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।